ओके, तो अभी तक हमने बात की है एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स के बारे में। अभी नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगली आपकी लेयर कौन सी आती है, तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल काम करती हैं, TCP एंड UDP। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले एक डिफरेंस समझिए दोनों के अंदर कि डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो TCP जो है कनेक्शन बनाने के लिए थ्री वे हैंडशेकिंग मेथड का यूज़ करता है, बट UDP में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कैसे, आप ज़रा एक एग्ज़ाम्पल देखिए। यहाँ पे मैं अगर आपको ये स्क्रीन दिखाऊं, तो आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा है TCP थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। इस हैंडशेक प्रोसेस का मतलब समझो, अगर ये UDP होता, UDP का कनेक्शन होता, जैसे आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसमें ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए UDP फास्ट भी होता है। समझिए क्यों। TCP का अगर कनेक्शन बनाना है आपको, तो TCP सबसे पहले क्या करता है, मान के चलिए बीच में एक दीवार है, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ आप हैं, मुझे आपकी तरफ कोई बॉल फेंकनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक TCP का तरीका, एक UDP का तरीका। TCP क्या बोलेगा दूसरे वाले साइड का जो बंदा है उसको, कि बॉस मैं आपको बॉल फेंकने वाला हूँ अभी, राइट। तो उधर से आवाज़ आएगी कि यस आप फेंक दो, मैं रेडी हूँ बॉल रिसीव करने के लिए। तो जब तक उधर से आवाज़ नहीं आएगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, तो दोनों के बीच का कनेक्शन सिंक नहीं हो पाएगा। तो जो सेंडर है, जो मैं इस साइड बॉल फेंकने वाला हूँ, मैं बॉल नहीं फेंकूँगा कभी भी, राइट। उधर से जब आवाज़ आएगी, कन्फर्मेशन आएगी कि मैं रेडी हूँ आप फेंक दीजिए, तब मैं बॉल फेंकूँगा, और वो भी ये बोल के कि अब मैंने बॉल फेंक दी है, आप रिसीव कर लीजिए। तो ये तीन बार में एक प्रोसेस पूरा होता है। पहले सिंक्रोनाइजेशन की बिट भेजता है, राइट, कि मैं डाटा को सीक्वेंसेस में भेजने के लिए तैयार हूँ। उधर से फिर एक्नॉलेजमेंट आती है कि मेरा भी सब कुछ, रैम प्रोसेसर सब सही है, स्टोरेज वगैरह आप भेज दो, कोई इशू नहीं है। इधर से फिर वो भेज देगा और साथ में कहेगा कि मैंने ये वाला डाटा भेज दिया है और ये मैं भेजने वाला हूँ। तो इस तरह से डाटा इधर से सेंड होता रहेगा, उधर से एक्नॉलेजमेंट आती रहेगी। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट के लेन देन का जो प्रोसेसेस है, इसमें टाइम लगता है, इसी वजह से TCP स्लो है। लेकिन आप देखिए, इसमें डाटा वहाँ रिसीवर तक पहुँचने की गारंटी है, कि अगर कुछ पार्ट मिस भी हो जाता है ना कम्युनिकेशन में, तो उधर से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी। वो बोलेगा बॉस कि आपने इतना पार्ट दोबारा भेजना है, क्योंकि मैंने ये रिसीव नहीं कर पाया। हो सकता है कि कनेक्शन में कोई इशू हो सकता है स्टोरेज का, बफर का कोई इशू, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के केस में TCP फिर वही एग्जैक्ट पार्ट जो मिस हुआ था उसको रीसेंड करेगा, रीट्रांसमिशन करेगा। तो ये हमने OSI मॉडल में भी पढ़ा था कि जो डाटा लिंक लेयर है, ट्रेलर यूज़ करती थी एरर डिटेक्शन के लिए, कि कोई इशू है, कोई पार्ट ऐसा जो मिस हो गया है। तो जब वो एरर डिटेक्ट होता था, तो फिर कन्फर्मेशन आती थी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। वहाँ पे हमने बोला था अगर TCP यूज़ हो रही है, तो वही सेम डाटा रीट्रांसमिट हो जाएगा। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं TCP के अंदर। बट अगर यही प्रोसेस UDP का होता, UDP में कोई बेस्ट पॉसिबल डिलीवरी की गारंटी नहीं है, राइट। बेस्ट एफर्ट्स हैं, ये अपना बेस्ट ट्राई करता है, लेकिन अगर कुछ पार्ट रिसीव नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ये फ़र्क है पहला TCP में और UDP में। तो दो फर्क हमने बता दिए, तीसरा फर्क भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि जब डाटा ही लॉस हो रहा है तो सिक्योर कहाँ से हुआ आपका। फाइनली एक डिफरेंस आता है विंडोइंग एंड नो विंडोइंग। अब यहाँ पे आप ज़रा चलिए इसी वाली स्लाइड पे, और इस पे मैंने यहाँ पे देखिए क्या बताया था सबसे पहले, कि जो कंप्लीट डाटा है आपका पूरा, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, जिनको हम DU या डाटा यूनिट बोलते हैं। और हमने बात की थी वो सीक्वेंसेस में जाता है, ऐसे ये फर्स्ट चलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, राइट। तो ये सब क्या है, कि कितने सारे ये जो पार्ट हैं आपके, 1, 2, 3, कितनी यूनिट, डाटा यूनिट्स आप एक साथ भेज सकते हैं नेटवर्क में, उसको बोलते हैं विंडो साइज। सपोज करो आपका इंटरनेट का कनेक्शन बहुत फास्ट है, तो आप हो सकता है 100 सेगमेंट एक सेकंड में भेज दो, और अगर स्लो है तो हो सकता है कि आप 20 भेज पाओ। तो विंडो साइज़ यही बोलता है कि एक बार में कितने पैकेट, कह लो आप रफली अगर बोलो, कितने पैकेट एक बार में पर सेकंड आप भेज सकते हो। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा कि एक पैकेट के अंदर कितना डाटा, नो,
वो तो DU, MTU या फिर फ्रेम साइज वो सब है। कितने फ्रेम्स या कितने पैकेट पर सेकंड आप नेटवर्क में भेज सकते हो वो है विंडो साइज़। और TCP में विंडो साइज़ एडजस्ट किया जा सकता है, UDP में नहीं किया जा सकता। सपोज करो सेंडर भेज रहा है 1000 पैकेट एक सेकंड में और रिसीवर के पास कैपेसिटी है सिर्फ 700 रिसीव करने की, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा सेंडिंग साइड पे कि बॉस आप थोड़े स्लो डाउन हो जाइए, मैं कुछ पैकेट ड्रॉप कर दे रहा हूँ, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा। और ये किस में पॉसिबल है? सिर्फ TCP में, राइट। UDP में अगर उधर से 1000 आ रहे हैं, आप 700 रिसीव कर रहे हो, तो 300 लॉस होते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट रिट्रांसमिशन कुछ नहीं होगा। तो ये फ़र्क है आपका TCP में और UDP में। अभी हम बात करते हैं कि जैसे मैं कोई ब्राउज़र ओपन करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने इतने सारे टैब ओपन करे हुए हैं। आप देखिए, अब इतने सारे टैब फाइन, लेकिन IP एड्रेस तो मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ ना इस PC पे, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो एक ही IP का यूज़ करके आप इतने टैब कैसे खोल पाते हैं? ये पॉसिबल है TCP/UDP पोर्ट नंबर की हेल्प से, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल? यहाँ से आप देखिए कि TCP और जो UDP प्रोटोकॉल्स हैं वो पोर्ट नंबर यूज़ करती हैं अपने साथ, राइट। जैसे हमने बोला था, फ्रेम जो है उसके अंदर रहता है आपका मैक एड्रेस सोर्स का और डेस्टिनेशन का। जो नेटवर्क लेयर पे IP है उसमें IP रहता है सोर्स का और डेस्टिनेशन का। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर रहते हैं सोर्स के और डेस्टिनेशन के। कैसे? समझिए कि सपोज करो मेरे इस सिस्टम की IP है 192.68.43.150, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इधर ही। तो सपोज ये मेरा क्लाइंट है, ओके। तो ये जो क्लाइंट है इसने बहुत सारे इस तरह से टैब ओपन किए हुए हैं, लाइक दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितने भी हो सकते हैं। जितनी आपकी रैम अलाउ करती है उतने सारे टैब आप ओपन कर सकते हैं, फाइन। तो लाइक दिस, वन मोर ओनली। अब सपोज करो मेरी IP क्या थी, 192.168.43.150, राइट। अब अलग अलग टैब को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए आप यूज करते हैं पोर्ट नंबर। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जो आपका पहला टैब है उसके साथ पोर्ट नंबर ऐड हो जाए, कौन सा? अब इसके लिए अपने को पता होना चाहिए पोर्ट नंबर के बारे में पहले, राइट। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। पहले आप जानिए कि पोर्ट नंबर कितने हो सकते हैं। ये एक 16 बिट का नंबर है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। 2 की पावर 16 अगर आप करोगे तो वो बनता है 65536, 65536। लेकिन अगेन हमें पता है रेंज, हम एक से नहीं चलते, 0 से लेके चलते हैं, तो ये बनेगी आपकी रेंज। इनमें से जो पहले 1024 नंबर हैं 0 से लेके 1023 तक, वो यूज होते हैं आपके कॉमन प्रोसेसेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे इस वाली स्लाइड में, सी, ये कॉमन आपको HTTP यूज़ करना है, TFTP, SMTP, ये सब क्या है? कॉमन टास्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पे यूज़ किए जाते हैं। अब इनको यूज़ करने के लिए आपने पहले से ही कुछ नंबर रिजर्व करा दिए, ये 0 से लेके 1023 तक, ये आप नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद जब ये टैब हमने ओपन किए हैं ब्राउज़र के, अलग अलग जो क्लाइंट हैं दुनिया भर में, सॉरी, वो यूज़ करेंगे ये नंबर। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा करके, फाइन। तो 1024 से 64511 तक नंबर आपको ब्राउज़र में अपने टैब के साथ ऐड हुए मिलेंगे, ओके, फाइन। तो अभी मैं तब तक क्या करूँ, इंटरनेट चला लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल आपको दिखा पाऊँ, फाइन। तो जो लास्ट के नंबर हैं वो रिजर्व है कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए। मान लो आपने कोई एक ऐसी गेम ही बनाई है और वो चाहते हैं कि आप उसको इंटरनेट पे डेडिकेटेड ट्रैफिक मिले, तो आप अपनी IP के साथ, जो कि यूनिक रहेगी, और ये पोर्ट नंबर बाइंड करवा देंगे। तो ये थोड़ा सा आगे डिटेल कंसेप्ट है, जस्ट अभी के लिए याद रखिए, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही प्राइवेट पोर्ट नंबर यूज़ होते हैं। हमारा कंसर्न है ये पहले नंबर, राइट, 0 से 1023 और 1024 से 64511। और एक और चीज़ नोट करिए, सॉकेट कहलाता है ये कॉम्बिनेशन IP एड्रेस का और पोर्ट नंबर का।
और जो पूरा इंटरनेट चलता है ना वो इन सॉकेट्स पे ही चलता है, राइट। पर सेकंड दुनिया भर में बहुत सारी मिलियंस ऑफ सॉकेट प्रोसेस होती हैं, बनती हैं, तो वही इंटरनेट है पूरा, समझिए आप। तो मान लीजिए, चलिए अब हमने इंटरनेट चला लिया है, फाइन। आप यहाँ पे लिखे, अगर लिखें सीएमडी में एक कमांड नेट स्टैट, देखिए तो यहाँ भी तो मेरा लोकल सेशन चल रहा है, राइट। अगर मैं कोई ब्राउज़र जैसे इसी को रिलोड करता हूँ, ठीक है, या फिर मान लो आप किसको इसे रिलोड करो, दो सेशन हो गए हमारे, राइट। और भी हो सकते हैं, जैसे मैं गूगल इनपुट है इसको ही रिलोड करता हूँ, थ्री, लाइक, फाइन। तो अभी अगर मैं दोबारा सीएमडी में जाऊँ तो सी, ये मेरी आईपी थी, इसके साथ एक नंबर ऐड हुआ ना, ये नंबर, ये है पोर्ट नंबर आपको, और ये डिफरेंट रहेगा हमेशा, हर देखिए हर एक टैब के साथ। उधर वेटिंग में चल रहे थे ना मेरे, ये देखिए, तो टैब वेट आएगा, और जब ये लगेगा कि सेशन एस्टेब्लिश हो गया तो यहाँ पे उसका स्टेटस भी लिखाएगा सारा का सारा, फाइन। प्रोटोकॉल बता रहा है कौन सा काम कर रहे हो आप, HTTPS। तो डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है, तो सोर्स के साथ आपने देखा, जैसे मैं अगेन आपको बताता हूँ, दिस वन, सोर्स के साथ चलेंगे ये वाले आपके नंबर, तो आप देखिए यही तो चल रहा है, उसी रेंज में से हैं। और डेस्टिनेशन पे चलेंगे कॉमन वाले, ये वाले, तो जैसे HTTPS है, HTTP है, तो इनके लिए कौन सा चलेगा, 443 या 80। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो जितने भी आप टैब, जितने भी सेशन यूज़ करेंगे, हर किसी का, ये देखिए किसी भी दो के साथ सेम नंबर नहीं मिलेगा, हर किसी में डिफरेंट, ऐसे ही आइडेंटिफाई होता है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आती है पीसी तक पहुंचने के लिए आपने आईपी यूज़ किया 192.168.43.150। अब इस आईपी पे अलग अलग रिक्वेस्ट तक आने के लिए, कि इस पे आना था तो इसका पोर्ट नंबर यूज़ करेंगे, इस पे आना है तो इसका पोर्ट नंबर आप यूज़ करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे TCP और UDP का पोर्ट नंबर यूज़ होते हैं, फाइन। चलिए मुझे लिखने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट क्या था कि अलग अलग के लिए आप क्या करते हो, 23,207 पहला टैब हुआ, फर्स्ट टैब, देन सेकंड टैब के लिए आप, हो सकता है कि 207 की जगह आप 211 यूज़ कर लें, तो उस टाइम जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से। तो ये आपका सेकंड टैब, तो लाइक दिस, तो दिस इज़ हाउ TCP UDP पोर्ट नंबर वर्क, ऐसे काम करते हैं TCP के और UDP के पोर्ट नंबर। अब अगर हम वापस चलते हैं लेयर 3, लेयर 4 पे, तो जो इंटरनेट लेयर है आपकी, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेयर 3 इंटरनेट लेयर की। थैंक यू।